कुषाणों ने मध्य एशिया से निकलकर भारत पर शासन किया और जब कुषाणों की सत्ता की बागडोर कनिष्क के हाथ में आई तो वह कुषाण शक्ति को चरम पर ले गया। इन्हीं कारणों से सभी कुषाण शासकों में कनिष्क को सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। हालांकि उसके राज्यारोहण के संदर्भ में मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक विद्वान शक संवत जो कि 78वीं ईस्वी में आरंभ हुआ था को राज्यारोहण के लिए उपयुक्त मानते हैं। कुषाणों की दो राजधानी हुआ करती थी, एक पुरुषपुरा अर्थात पेशावर और दूसरी मथुरा। कनिष्क के विजय अभियानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी शासक के सेनापति पान चाऊ पर विजय को माना जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और वह खुद बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण करवाया। उसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वशुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। उसके संरक्षण में स्थापत्य और मूर्तिकला को प्रोत्साहन मिला। उसी के शासनकाल में गांधार और मथुरा कला जैसी शैली पली।